हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसबी स्वामी पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं और यह वर्कशीट सेकंड वर्कशीट है जो चैप्टर सेकंड चैप्टर है अपना लॉस्ट स्प्रिंग, उस पर आधारित है। और इस चैप्टर की पहली जो वर्कशीट थी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ और मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए, वर्कशीट डेट 21 जुलाई 2021, क्लास ट्वेल्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन टू लॉस्ट स्प्रिंग, और इसका टॉपिक है पिटीफुल कंडीशन ऑफ बेंगल मेकर्स। पिटीफुल कंडीशन होती है दयनीय स्थिति, बेंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वालों की दयनीय स्थिति। यहाँ आपको अपना नेम लिखना है, स्कूल का नेम लिखना है, और इस वर्कशीट के जो क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चन दिए गए इसमें, वो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और इस चैप्टर को मैं पहले से ही आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसको आप पहले अच्छी तरह से रीड कर लें और इसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके इसका वीडियो आप देख सकते हैं, और फिर आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर आसानी से लर्न कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस वर्कशीट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, वॉट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज मुकेश ग्रैंड मदर एक्सेप्ट लाइफ। मुकेश की दादी माँ ने जीवन को कैसे स्वीकार किया है? एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डू वेल्डर्स ऑफ द ग्लास पीसेज यूजुअली लूज देयर आई साइट। वाई डू वेल्डर्स, वेल्डर्स होते हैं वेल्डिंग करने वाले, जोड़ने वाले, ऑफ द ग्लास पीसेज, ग्लास के टुकड़ों को, कांच के टुकड़ों को जोड़ने वाले, यूजुअली आमतौर पर, यूजुअली यानी आमतौर पर, लूज, खो देते हैं देयर आई साइट, अपनी आँखों की रोशनी को, कांच के टुकड़ों को जोड़ने वाले अपनी आँखों की रोशनी को आमतौर पर क्यों खो देते हैं? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ए बेंगल सिग्निफाई। चूड़ी का क्या महत्व है? और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्वेज इनटू ए कोऑपरेटिव। व्हाई डू द बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले, नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्वेज, वे स्वयं संगठित क्यों नहीं होते हैं इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहयोगी समिति के रूप में वे स्वयं संगठित क्यों नहीं होते हैं? आइए अब इन सभी 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और इनके आंसर्स देखते हैं। वर्कशीट इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ, डेट 21 जुलाई 2021, और ये सेकंड वर्कशीट है जो इस लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर पर आधारित है। और इसकी फर्स्ट जो वर्कशीट है मैं आपको पहले सॉल्व करा चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा, और इस चैप्टर का जो लॉस्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर है, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं और फिर आसानी से इन क्वेश्चंस को आप लर्न कर सकते हैं। लेसन टू लॉस्ट स्प्रिंग, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ फिरोजाबाद। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। फिरोजाबाद के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आंसर देखिए, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ फिरोजाबाद इज मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद के लोगों का मुख्य व्यवसाय चूड़ियाँ बनाना है। दे हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम जनरेशंस। वे इस कार्य को, चूड़ियाँ बनाने के कार्यों को, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। फिरोजाबाद के लोग चूड़ियाँ बनाने के कार्यों को पीढ़ियों से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
हाउ डज मुकेश ग्रैंड मदर एक्सेप्ट लाइफ, मुकेश की दादी माँ ने जीवन को कैसे स्वीकार कर लिया है? आंसर देखिए, मुकेश ग्रैंड मदर यूज बेंगल मेकिंग एज द डेस्टिनी ऑफ हर फैमिली। डेस्टिनी होता है भाग्य या नियति। मुकेश की दादी माँ यूज बेंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने को देखती है एज द डेस्टिनी ऑफ हर फैमिली। मुकेश की दादी माँ चूड़ियाँ बनाने को अपने परिवार की नियति के रूप में देखती है, अपने भाग्य के रूप में देखती है। वो मानती है कि चूड़ियाँ बनाना ही हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। हर हस्बैंड्स ब्लाइंडनेस, अपने पति के अंधेपन को, देयर मिसफॉर्चून, अपनी बदकिस्मती को, मिसफॉर्चून होता है बदकिस्मती, एंड इम्पॉवरिश्ड कंडीशन, और अपनी बदहाल स्थिति को, इम्पॉवरिश्ड होती है बदहाल कंडीशन यानी स्थिति, सी फील्स आर ऑर्डेंड बाई डेस्टिनी, इसको वो भाग्य के द्वारा निर्धारित मानती है कि मेरे पति का जो अंधापन है, मेरा जो दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है, और हमारी जो बदहाल स्थिति है, वो हमारे भाग्य के द्वारा ही निर्धारित है, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा हुआ है। ऑर्डेंड होता है निर्धारित होना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डू वेल्डर्स ऑफ द ग्लास पीसेज यूजुअली लूज देयर आई साइट? व्हाई डू वेल्डर्स, वेल्डर्स होते हैं वेल्डिंग करने वाले, जोड़ने वाले, ऑफ द ग्लास पीसेज, कांच के टुकड़ों को जोड़ने वाले, यूजुअली आमतौर पर लूज, खो देते हैं देयर आई साइट। कांच के टुकड़ों को जोड़ने वाले आमतौर पर अपनी आंखों की रोशनी को क्यों खो देते हैं? आंसर देखिए, वेल्डर्स ऑफ द ग्लास पीसेज, कांच के टुकड़ों को जोड़ने वाले, वर्क इन डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स होती है झोंपड़ियाँ, डार्क यानी अंधेरी, कांच के टुकड़ों को जोड़ने वाले अंधेरी झोंपड़ियों में काम करते हैं, नेक्स्ट टू द लाइट्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स होते हैं तेल के दिए, फ्लिकरिंग होते हैं टिमटिमाते हुए, फ्लेम्स, लाइट्स ऑफ फ्लेम्स, लपटों की रोशनी में, वे इन अंधेरी झोंपड़ियों में तेल के दियों की टिमटिमाती हुई लपटों की रोशनी में कार्य करते हैं। देट इज वाई, इसी कारण से, देट इज वाई का मतलब है इसी कारण से, दे वे ऑफन लूज देयर आई साइट, वे प्राय अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट डज ए बेंगल सिग्निफाई, चूड़ी का क्या महत्व होता है? आंसर देखिए, ए बेंगल सिंबोलाइजेज, एक चूड़ी प्रतीक होती है एन इंडियन वुमन्स सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती है, चूड़ी एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती है, इट इज ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इसको शादी में शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियसनेस होता है शुभ होना। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, व्हाई डू द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्वेज, चूड़ी बनाने वाले स्वयं संगठित क्यों नहीं होते हैं इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहयोगी समिति के रूप में, चूड़ियाँ बनाने वाले स्वयं संगठित क्यों नहीं होते हैं? आंसर देखिए, द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वाले, वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्वेज, वे स्वयं को संगठित करने में समर्थ नहीं थे, एबल यानी समर्थ होना, इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहयोगी समिति के रूप में वे स्वयं को संगठित करने में समर्थ नहीं थे, बिकॉज, क्योंकि, दे हैड गॉट ट्रैप्ड, क्योंकि वे फंसे हुए थे, ट्रैप्ड यानी फंसे होना, इन ए विशियस सर्किल, दुष्चक्र में, विशियस सर्किल होता है दुष्चक्र, ऑफ द साहूकार्स, वे साहूकारों के दुष्चक्र में फंसे हुए थे, द मिडिल मैन,
बिचौलियों के दुष्चक्र में फंसे हुए थे, द पुलिसमैन पुलिस वालों के दुष्चक्र में फंसे हुए थे, द ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नौकरशाह, नौकरशाहों के दुष्चक्र में फंसे हुए थे, नौकरशाह जो सरकारी गवर्नमेंट के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो होते हैं नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनेताओं के दुष्चक्र में फंसे हुए थे, इसलिए वे अपने आप को एक सहयोगी समिति के रूप में स्वयं को संगठित नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने इस वर्कशीट के 5 क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ लिए, आई होप आपके समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलेगी और आपको इस पर पूरा आपकी क्लास का सिलेबस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।